स्वागत बनारसी के इस अंक में आपका स्वागत है इस निवेदन के साथ कि अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को करिए और रोज नए स्वाद से रूबरू होइए। स्वाद के इस कड़ी में आज आपको एक चाय से रूबरू कराएंगे, चाय के चुस्की से रूबरू कराएंगे, जो न केवल बनाने में अलग ढंग तरीका है बल्कि स्वाद भी अद्भुत है, अनोखा है। चाय आप ढेरों पिए होंगे, खुद भी बनाए होंगे, आप अपने दोस्तों को अपने परिवार के लिए भी बनाया होगा, लेकिन जो चाय आज हम दिखाने जा रहे हैं वो चाय कई मायने में अलग है। क्या खास है आइए देखते हैं। दुकान का हम आपको लोकेशन पहले बता दें, ये दुकान है कहाँ, 80 कई मायनों में मशहूर है और उसी में एक मशहूर का वजह एक चाय की दुकान है जिसे लोग पप्पू की चाय की दुकान, पप्पू की अड़ी कहते हैं। अमूमन इस दुकान पे राजनीतिक सरगर्मी की चर्चाएं होती हैं, नोकझोंक होती हैं, गर्मा गर्म बहस होते हैं और उसके बाद एक हर हर महादेव नारे के साथ सब अपने घर जाते हैं अगले दिन सुबह खुले मन से फिर मिलने के लिए। ये वहाँ के एटमॉस्फेयर की बातें हो सकती हैं, लेकिन हम स्वाद की बात करेंगे। जब आप 80 से शिवाला की ओर बढ़ेंगे तो कोई 200 कदम बढ़ने पे मारवाड़ी सेवा संघ है और मारवाड़ी सेवा संघ के ही कैंपस में ये दुकान स्थित है। इस दुकान को पप्पू चलाया करते थे लेकिन अब ये दुकान उन्हीं के पुत्र मनोज के हवाले हैं, मनोज इस दुकान को चलाया करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, कई मायने में ये खास हैं, इनके यहाँ की चाय, इनके यहाँ की चाय की चासीर और इनके यहाँ होने वाली गर्मा गर्म बहस, इन चीज़ों को आप न केवल सीने पर्दे पे बल्कि साहित्य में, बल्कि अखबारों में, यहाँ तक कि दिनचर्या में, लोगों के बातों में भी सुना होगा। और आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या आखिर इस चाय में खासियत है कि लोग इनके यहाँ आते हैं, गर्मा गर्म बहस में हिस्सा लेते हैं, बनारसी गालियों का आनंद उठाते हैं और फिर अपने घर की ओर जाते हैं। ये मनोज जी हैं, ये गिलास धुल रहे हैं, इनके गिलास धुलने का स्टाइल देखिए, गिलास में गर्म पानी ये लेते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, इस तरह ये धोते जाते हैं। गिलास साफ करने के बाद गिलास को ये सजाते हैं। जो ये रैक लगाए हैं उस रैक को देखिए तो 4 पीस की इनकी रैक है और 3 लाइनें हैं, 3 रो हैं, मतलब एक साथ इन्होंने 12 ग्लास को सजाया है और एक साथ ये 12 चाय बनाएंगे। कैसे ये चाय बनाएंगे, क्या तरीका होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये चीनी का अपना बर्तन उठाते हैं, चम्मच से चीनी डालते हैं ग्लास में, चीनी डालने के बाद वापस ये चीनी को रखते हैं। एक हाथ में छननी, जो कपड़े से बनाई हुई इनका अपना तरीका है बनाने का, और दूसरे हाथ से चाय की पत्ती को इसमें उड़ेलते हैं। एक लेबल देखते हैं, एक अंदाज लगाते हैं कि कितने चाय पे कितनी उनकी चाय पत्ती लगती होगी और उसके बाद ये चाय पत्ती के बर्तन को अलग रखते हैं और चाय की छननी जो है, जिसमें चाय, सूखी चाय की पत्ती होती है, उसको भी अलग करते हैं। अब दूसरी ओर आइए, देखिए इनके सामने की बात यदि हम करें, 2 केतली पड़े हुए हैं, दोनों केतलियों में इनके गर्म पानी है। वहीं बगल में यदि आप देखिए तो भट्टी पे दूध खोल रहा है, ये दूध है। शुरू चाय बनाना यहीं से करते हैं, ये खोलते हुए चाय को भट्टी से ये कलछुल के सहारे, एक एक कलछुल 12 गिलास में डालते हैं, 1, 2, 3, इस तरह ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और बढ़ने के बाद इसके बाद चीनी डाल दिया इन्होंने, दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद अब आता है मेन कोर्स की बातें, मेन एक्सरसाइज की बात। ये चाय पत्ती जिसे चाय छन्नी हम कह रहे थे, ये इन्होंने उठाया, उठाने के बाद एक हाथ में इन्होंने केतली ली, जैसा कि हमने आपको कहा कि केतली में गर्म पानी है, पानी खोलता हुआ है। इस चाय पत्ती पे ये बारी 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 बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते गर्म पानी को गिराते हैं। इस गर्म पानी से जब चाय पत्ती का संपर्क होता है तो चाय के पत्ती का स्वाद और चाय के पत्ती का फ्लेवर, दोनों स्वाद और रंग दोनों लेते हुए ये ग्लास की ओर बढ़ता है। पहले से दूध पड़ा हुआ है, चीनी पड़ा हुआ है और इस तरह ये बारी बारी सब गिलासों में चाय, गर्म पानी चाय की पत्ती पे गिराते हैं और उसका रंग और स्वाद उसमें जाता है। ये करने के बाद इनका ये प्रोसेस पूरा होता है, चाय पत्ती को अलग करते हैं, केतली को अलग रखते हैं और चम्मच के सहारे जो चीनी इन्होंने सबसे पहले डाली थी उस चीनी को चाय में मिलाते हैं। चाय मिलाने के बाद ये आपस में इसको मिलाते हैं और मिलाने के बाद ग्राहकों को
इस जायका को चखने के लिए दे देते हैं। रेट की बात भी हम बताते चले, ये 10 रुपए ग्लास लेते हैं, ये 10 रुपए में एक चाय। ये अब आज से नहीं बनते हुए आ रहा, ये बहुत दिनों से, करीब दादाजी हम लोग कह रहे हैं तब से ये चाय बनाते हुए आ रहा। क्यों ऐसा बनाते हैं, कुछ खास वजह इसकी? ऐसा जैसे कि अब परंपरा चलते आ रहा है, इसको हम लोग चलाते जा रहे हैं। हर जगह चाय तो हर तरह का बनता है, अब कुछ जगह एक आगे दुकान होगा कि इस तरह की चाय बनता है। अड़ी तो राजनीतिक, जैसे आओ यार चाय पी लिया जाए, थोड़ा सा गप सप रखा हो जाए, थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा हो जाए, दो चार लोग हर तरह का आदमी आते हैं, हर तरह का बात करते हैं। अब इस समय कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, अपने घर का, अपने शादी ब्याह, इस तरह के लोग चर्चा करते रहते हैं। इनकी चाय में हाइजीनिक सेंस ज़बरदस्त होता है। अमूमन लोग पत्तियों को खोला देते हैं और देर तक खोलाते हैं, फिर उसी में दूसरी पत्ती डाल के, तीसरी पत्ती डाल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इनके यहाँ पत्ती छन्नी में रख करके ऊपर से गर्म पानी से बड़े ही कलात्मक ढंग से तैयार किया जाता है और गिलास को स्टरलाइज करते हैं ये गर्म पानी के द्वारा, तो इससे सारा शक शुभा इन्फेक्शन का ख़त्म हो जाता है और बड़ी अच्छी इनकी चाय होती है।